किरा खोसला वो मंजर भी आएगा, किरा खोसला वो मंजर भी आएगा, पैसे के पास चलकर समंदर भी आएगा, पैसे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल में मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार, मैं योगेश आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आभार अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और आज हम आपको पता है आपके बीच में PTT 2022 का जो आपका पेपर हुआ वो आपके बीच में लेकर आ चुके हैं, ठीक है। PTT का आपका जो 21 मई को जो आपका पेपर हुआ है वो हम आपके बीच में लेकर आए हैं, और आपके जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन हम आपके बीच में लेकर आए हैं, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, मैं आपको पूरा पेपर सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर मैं आपको क्वेश्चन संख्या 200 तक पेपर सॉल्यूशन करवाऊंगा, तो अंत में आपको कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। और जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार विजिट करे वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि स्टडी अलर्ट पर आपको आगे आपके रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग होगी और कॉलेज अलॉटमेंट होगी, वो सारी न्यूज़ आपको स्टडी अलर्ट पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब अत्यावश्यक कर देना, ठीक है। आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं करके तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पर क्या होगा कि आपको जो इंपॉर्टेंट जो PTT की जो अपडेट्स है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। अगर आपके 250 नंबर भी बन रहे हैं ना, फिर भी आपको कॉलेज मिलेगी। कैसे मिलेगी, कितनी कॉलेज फिल करनी है, कौन सी कॉलेज फिल करनी है, वो जानकारी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड करूँगा। और कोई बोलता है ना कि 370 में कॉलेज मिलती है, कटो बता रहे ना, तो मैं बता देना चाहता हूँ 360 वाले को भी कॉलेज मिलेगी, 350 वाले को भी मिलेगी, 270 वाले को भी कॉलेज मिलेगी, ठीक है। PTT कोई भी ऑफिशियल कट ऑफ नहीं रहती, इसलिए बोल रहा हूँ आप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको अपडेट मिलेगी और आपको कॉलेज मिलेगी। प्लीज़ आप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, काफ़ी देरी हो चुकी है। मेरे हिसाब से आपने ग्रुप को ज्वाइन कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता को प्रस्तुत करता है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता को प्रस्तुत करता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी इंटों की इमारतें, ठीक है, जली हुई ईंटों की इमारतें, ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता को महत्वपूर्ण प्रस्तुत करता है। उसके बाद देखो, ब्राह्मण ग्रंथ वे पुस्तक है जिनका संबंध है, जिनका संबंध किससे है, तो इनमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इनमें इनमें थोड़ा सा डाउट है, इस पर आप कमेंट करके बता देना, ठीक है। उसके बाद देखो, अजता के चित्र किसकी कहानियों को चित्रित करते हैं, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जातक के, ठीक है। उसके बाद देखिए, स्वतंत्रता सेनानी सूरजमल बसानिया कहाँ के थे, तो सूरजमल बसानिया थे वो आपको पता है कहाँ के थे, बीकानेर जिले के थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो, आपका अगला प्रश्न क्या करा है, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासनकाल के बारे में जानकारी प्रस्तुत करता है, इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ है, ठीक है, वो किसके बारे में जानकारी प्रस्तुत करता है, तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्रदान करता है, ठीक है। उसके बाद देखो, आपका अगला प्रश्न क्या करा है, दक्षिणी भारत के मंदिरों में पाए जाने वाले शक्तिशाली प्रवेश द्वार कहलाते हैं, दक्षिणी भारत के मंदिरों में पाए जाने वाले जो शक्तिशाली जो प्रवेश द्वार है ना, वो क्या कहलाते हैं, शिखर कहलाते हैं, गौरपुरम कहलाते हैं, मीनार कहलाते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा बताओ मुझे, इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, अरे गुरु जी, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी गौरपुरम, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या आया था, उसके बाद अगला प्रश्न आपका आया था, हाँ, 107 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक को अभिनव भारताचार्य के नाम से जाना जाता है, अभिनव भारताचार्य के नाम से किसे जाना जाता है, अरे गुरुजी, अभिनव भारताचार्य के नाम से राणा कुंभा को जाना जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो, आपका क्वेश्चन क्या आया था कि 1940 के अगस्त प्रस्ताव ने किस बात की गारंटी देकर कांग्रेस से समझौता करने की कोशिश की, तो इसमें आपका हो जाएगा एक सेकेंड क्या कहा था कि एक नया संविधान बनने के लिए एक प्रतिनिधित्व भारतीय निकाय की स्थापना, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद प्रश्न क्या आया था कि भारत की सबसे उत्तरी सीमा है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 37 डिग्री अक्षांश, ठीक है। देखो, मैं जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है टाइम कम है, तो जो राइट ऑप्शन है मैं सिर्फ उसी को बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, 110 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर। उसके बाद देखो, आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की महत्वपूर्ण विशेषता बतानी है क्या है, तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर बी, वे सभी प्रवाल मूल के हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, आपका प्रश्न है कि उत्तरी पश्चिम में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के मध्य शुष्क और गर्म हवाओं के रूप में जाना जाता है, तो इसमें आपका लू जाना जाता है, क्या जाना जाता है, लू।
उसके बाद देखो आपका प्रश्न है कि भारत का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है, भारत किस से के उत्पादन में विश्व में एक नंबर पे है, तो इसमें आपका हो जाएगा दाल के उत्पादन में, ठीक है। उसके बाद देखो आपका प्रश्न है कि तुमालापल्ले, ठीक है, तुमालापल्ले जहाँ यूरेनियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो ये आपका हो जाएगा गुरुजी आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखो आपका अगला प्रश्न आया था कि FSI 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य के क्षेत्र के इस हिसाब से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद आपका 116 नंबर प्रश्न क्या था कि अहोम जनजातियाँ कहाँ से प्रवेशित है प्रवर्षित हुई है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी म्यांमार से, ठीक है। उसके बाद देखो उसके बाद देखो 117 नंबर क्वेश्चन क्या आया था कि निम्नलिखित में से कौन पहली भारतीय महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी, तो सबसे पहले आपको पता है कल्पना चावला गई थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो निम्नलिखित में से कौन सभी कार्यवाहिक राष्ट्रपति नहीं बना, निम्नलिखित में से कौन कभी भी कार्यवाहिक राष्ट्रपति नहीं बना, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसके बाद देखो आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महिला को स्वतंत्रता आंदोलन के निम्नलिखित में से किस महिला को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रेट ओल्ड लेडी के रूप में जाना जाता है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, अरे 119 में आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अरुणा आसफ अली को, ठीक है। उसके बाद देखो किस व्यक्ति को भारत का बर्डमैन कहा जाता है, तो इसमें आपका हो जाएगा सलीम खान को, किसको कहा जाता है, सलीम खान को कहा जाता है। उसके बाद देखो अगला प्रश्न आपका क्या आया था कि अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्यंत्र से संबंधित थे, तो वो आपको पता है किस वाद्यंत्र से संबंधित थे, अरे वो सरोद वाद्यंत्र से संबंधित थे। उसके बाद देखो आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि यामिनी कृष्णामूर्ति निपुण प्रतिपादक है, तो इनके प्रतिपादक कौन है, तो इनके प्रतिपादक आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी भरतनाट्यम की, ठीक है। उसके बाद देखो आपका अगला प्रश्न था कि किसको लोकप्रिय रूप से फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, तो इसमें आपका हो जाएगा मिल्खा सिंह को, किसको जाना जाता है, मिल्खा सिंह को जाना जाता है। उसके बाद देखो आपका प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे, तो इसमें आपके हो जाएंगे चंद्रशेखर, ठीक है। उसके बाद देखो अगला प्रश्न आया था कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाकवि कालिदास को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा क्योटो प्रोटोकॉल का प्राथमिक एजेंडा है, तो प्राथमिक एजेंडा आपका हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसों के स्रोतों को नियंत्रित करना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन था कि नमामि गंगे परियोजना के मुख्य स्तंभ क्या है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा, यानी ये सभी है, क्या है, सभी है। उसके बाद देखो आपका प्रश्न क्या आया था, 128 नंबर प्रश्न क्या आया था आपका कि रामसर संरक्षण क्या है, तो ये संरक्षण आपका क्या हो जाएगा 128 में आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी यह आर्द्र भूमि के संरक्षण के उपयोग के बारे में बताता है, ठीक है। उसके बाद देखो निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भूमि और अन्य संसाधनों पर जंगल में रहने वाले समुदायों के अधिकारों से संबंधित है, तो 129 में आपका हो जाएगा वन अधिकार अधिनियम 2006। उसके बाद देखो आपका अगला प्रश्न है कि ओजोन परत की रक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन है, ओजोन परत की रक्षा के लिए आपको पता है कौन सा सम्मेलन है, वियना सम्मेलन है, ठीक है। उसके बाद देखो 131 में क्या बोल रहा है कि इनमें से किस गैस को सरकार द्वारा प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम द्वारा निश्चित सीमा से अधिक जारी करने की अनुमति दी गई है, तो 131 में आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो 132 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि जलवायु परिवर्तनों का वनों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो 132 में आपका क्या हो जाएगा, 132 में आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी जैव विविधता में वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है, जैव विविधता में वृद्धि हो रही है। उसके बाद देखो अमलीय वर्षा स्मारक के संगमरमर को संरक्षित करती है घटना को क्या कहते हैं, तो 133 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी
संगमरमर कैंसर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो 134 नंबर है क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को सूची के अनुसार एक विरासत स्थल नहीं है। तो 134 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीकानेर का किला। बीकानेर का किला है ये यूनेस्को की विरासत सूची में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो राजस्थान का, ये देखो यहाँ से आपके राजस्थान जीके के प्रश्न स्टार्ट है कि राजस्थान का राज्य नृत्य है, तो राजस्थान का राज्य नृत्य आपको पता है कौन सा है। अरे राजस्थान का राज्य नृत्य आपको पता है ना कौन सा है, घूमर है। क्या है? घूमर। उसके बाद देखो आपका अगला प्रश्न है कि राजस्थान की कला सोने का उपयोग कर कांच पर एक सूक्ष्म चित्रकारी है, ये किसकी है? तो ये आपकी हो जाएगी थेवकला की। किसकी है? एक सेकेंड, तो ये आपकी हो जाएगी थेवकला की। थेवकला कहाँ पे? प्रतापगढ़ के अंदर। एक सेकेंड, कहाँ पर है? प्रतापगढ़ के अंदर, ध्यान रखना भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसमें आपका हो जाएगा चंबल। कौन सी गिरती है? चंबल। उसके बाद देखो आपका अगला प्रश्न क्या आया था कि प्रागैतिहासिक स्थल कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में है। प्रागैतिहासिक जो स्थल है कालीबंगा वो राजस्थान के किस जिले में है? तो बीकानेर दिया गया था, जयपुर दिया गया था, जैसलमेर दिया गया था, हनुमानगढ़ दिया गया था। तो इसमें आपको पता है कालीबंगा हनुमानगढ़ केंद्र है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ केंद्र है। उसके बाद देखो क्वेश्चन आया था कि राजस्थान की पर्यटन टैगलाइन क्या है। राजस्थान की पर्यटन टैगलाइन क्या है? तो इसकी आपको पता है हिंदी में पूछे तो आपको पता है हिंदी में तो है पधारो हमारे देश, और इंग्लिश में पूछा है, इंग्लिश में पूछा है तो क्या है कि द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। इंग्लिश में क्या हो जाएगी? द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। उसके बाद देखो आपका अगला प्रश्न क्या आया था कि खातोली के युद्ध में राणा सांगा ने किसे हराया था। खातोली के युद्ध में राणा सांगा थे, उन्होंने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी, अकबर, सिकंदर लोदी या फिर बाबर। तो 140 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी किसे हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि तेजाजी मेला, तेजाजी संबंधित पीटीटी में हर साल प्रश्न आता है, हर साल तेजाजी मेला हर साल राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित होता है। पिछली बार भी यही पूछा और उससे पहली बार भी तेजाजी संबंधित प्रश्न था, हर साल आता है। ठीक है, तो एक तो है भिवाड़ी, ये गलत है, एक है उदयपुर, ये भी गलत है, एक है ब्यावर, ये भी गलत है। तो इसमें हो जाएगा परबत्सर। क्या हो जाएगा? परबत्सर। तो तेजाजी मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? हर साल, अरे गुरुजी, परबत्सर नागौर के अंदर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने बड़े पैमाने पर संचयी और प्रतिष्ठानों के JW को पार कर दिया है। तो कितने को पार कर दिया है? तो राजस्थान ने आपको पता है लगभग 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 10 को पार कर दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, स्पोर्ट्स फॉर ऑल SFA स्पोर्टिंग सर्विसेज किस इवेंट के पावर्ड बॉय स्पॉन्सरशिप के रूप में शामिल हुई। तो इसमें क्या हो जाएगा? 143 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के रूप में शामिल हुई। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम के रूप में शामिल हुई। उसके बाद देखो आपका अगला क्वेश्चन था कि वयम रक्षा में हम रक्षा करते हैं किस सशस्त्र बल का आदर्श वाक्य है, ये किस सशस्त्र बल का आदर्श वाक्य है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय तटरक्षक का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो आपका प्रश्न आया था कि राजस्थान सरकार की किस योजना के तहत महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए महिलाओं और किशोरियों को हर महीने 12 सेनेटरी नेपकिन मुक्त प्रदान किए जा रहे हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, अरे इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 145 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी उड़ान। ठीक है, उसके बाद देखो आपका अगला प्रश्न क्या आया था, अगला प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से किस शहर में आयुष मंत्रालय ने विश्व होम्योपैथी दिवस पर वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजित किया। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी शिमला। क्या हो जाएगा इसमें? शिमला हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या आया था कि 27 फरवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कर्नाटक में निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया था। तो 147 में आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर डी, यानी शिवमेगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, ये आपका करंट से संबंधित प्रश्न था। उसके बाद देखो आपका क्वेश्चन आया था कि किस देश को टैक्स हेवन के रूप में जाना जाता है जिसने पहली बार फेडरल कॉर्पोरेट टैक्स प्रस्तावित किया। तो 148 में आपका क्या हो जाएगा, 148 में आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात। उसके बाद आपका क्वेश्चन आया था कि कौन सा शहर 2023 में 5वें ओशियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का मेज़बानी करेगा या फिर मेज़बान है। तो इसमें आपका हो जाएगा कुआ लाल
पुर कौन सा हो जाएगा, क्वालालपुर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि टी एल एम ए एल भारत के टाटा समूह और किस देश के समक्ष के बीच एवं संयुक्त एक संयुक्त उद्यम है, तो इसमें आपका हो जाएगा यूएसए के, किसके है, यू एस ए, यू एस ए के, ठीक है। तो ये तो आज के हमारे इंपॉर्टेंट आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आए थे वो थे। अभी मुझे बताना कितने क्वेश्चन सही हुए। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने आपको जीके के 50 क्वेश्चन है वो करवा दिए हैं, ठीक है। देखो लाइव में तो लाइव में मैंने है ना आपको जीके शिक्षण अभिरुचि हिंदी रीजनिंग सभी के करवा दिए हैं 200% लाइव को जाकर देख लेना, और यहाँ पे मैंने जीके के 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो आ रहा है उसमें आपको जो रीजनिंग के क्वेश्चन है ना 50 वो करवा दिए जाएंगे। तो एक बार आप इस चैनल के साथ वेट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यहाँ पे आपको संपूर्ण आंसर की मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, और हम जो अपना व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, तो उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उसको आपको अत्यावश्यक रूप से ज्वाइन कर लेना, आगे आपके बहुत काम आएगा वो, जैसे ही आपकी लिस्ट वगैरह आएगी, काउंसलिंग होगी, रिजल्ट वगैरह आएगा तो बहुत काम आएगा। अगर आपके कम भी नंबर बने रहना फिर भी आपको कॉलेज मिलेगी, लेकिन आपको व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करना है। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्लास कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।